रामू और श्यामू दोनों ही एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी दोस्ती गांव वालों के बीच मशहूर थी और वे हमेशा मिलजुल कर किसी न किसी शरारत में मग्न रहते थे। एक दिन गांव के पुराने हवेली में एक रहस्यमयी घटना हुई। लोग सुनते थे कि रात्रि में वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और चमकदार प्रकाश दिखाई देता था। रामू और श्यामू ने यह सुनकर तत्पर होकर निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेंगे। वे रात्रि के समय हवेली की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर देखा कि एक पुरानी किताब का रहस्यमयी चाबी उनके सामने है। उन्होंने चाबी का इस्तेमाल करके हवेली के अंदर जाकर पुराने समय के रहस्यों की खोज की। वहां वे एक पुराने गांव वाले की कहानी सुने जो गांव के चंदनी रातों में अपनी कहानियों से लोगों को प्रभावित करता था। रामू और श्यामू ने वहां के रहस्य को समझा और उसका राज गांव वालों के साथ साझा किया। उनकी साहसपूर्ण और साझेदारी भरी कहानी ने गांव में खुशियों का माहौल बना दिया और वे दोनों अब गांव के हीरो बन गए।